गाइस एंड मॉमीज वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ क्विक एब्स वर्कआउट, आप घर पे कैसे कर सकते हो। सो जस्ट वर्कआउट की एक रूटीन बनाइए कि आपको इस दिन अपर बॉडी करना है, इस दिन लोअर बॉडी करना है, इस दिन एब्स करना है। सो आज की वीडियो में जो मैं वर्कआउट करती हूँ एब्स, बहुत ही ईजी है, स्पेशली फॉर न्यू मॉमीज। जब आपका सिजेरियन हुआ होता है या नॉर्मल डिलीवरी है तो आप उसके बाद कर सकते हो ये। तो मैंने सिजेरियन के अराउंड 10-11 मंथ के बाद में एब्स वर्कआउट स्टार्ट करा था। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप थोड़े मंथ के बाद कर सकते हो, और अगर आपका सिजेरियन है तो थोड़ा टाइम आप एब्स एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हो। बाकी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हो, जस्ट अवॉइड एब्स एक्सरसाइज। तो ये बहुत ही क्विकली वाली 10 मिनट्स है जो आप घर पे कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर करें कि आप 1-2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले जस्ट एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने फ्लोर पे लेट जाइए और अपनी लेफ्ट लेग को रेज करना है एंड जस्ट कीप इट डाउन। सेम आपको ये रिपीट करना है 5 टाइम्स और अगेन दूसरी लेग के साथ करना है, और साथ में आपको साथ में करना है, अपने पोजीशन पे लेटना है और हैंड्स को रेज करना है, नीज तक लेके जाना है, स्लोली लेके जाना है, बहुत ही स्लोली। तो कोर पे वर्कआउट करेगा, और ये करने के बाद में अगेन जो हमने फर्स्ट करा है लेग्स को रेज करना है और नीचे रखना है। तो ये आपको 5 टाइम्स ईच करके आपको 3 बार करना है। एक्सरसाइज आपके कोर मसल्स के लिए, थाइस के लिए, हिप एरिया के लिए बहुत ही अच्छी है। ऑल्सो ये एक्सरसाइज उन सब विमेन के लिए जो ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहती हैं, स्टिल अपना स्टमक एरिया पे फैट रिड्यूस करना चाहती हैं। बहुत ही स्लो एक्सरसाइज है बट काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें एल्बोस को ओपोजिट नीज के टुवर्ड्स लेके जाना है। तो ये हमें 3 सेट करने हैं 10 रेप ईच। तो ये आपके मसल्स के लिए, अगेन फुल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इसमें भी सेम आपको किक्स करनी है, जैसे आप खड़े होकर लेग से किक करते हो वैसे ही करना है। काइंड ऑफ आपको नियरली 45 डिग्री पे लेके जाना है और स्लोली आपके लेग्स को वापस लेके आना है। सो जस्ट गो लिटल डाउन और किक और वापस आइए अपनी पोजीशन पे। नेक्स्ट आपको अगेन हैंड्स को नेक के नीचे रखना है और इन एंड डाउन करना है लेग्स को, इन एंड डाउन, इन एंड डाउन। और मेक श्योर करें आप ब्रीथ साथ में इनहेल एक्सहेल करते रहें, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज। सो जस्ट इन एंड डाउन, इन एंड डाउन। नेक्स्ट हमें जस्ट अपने हिप एरिया को रेज करना है, 90 डिग्री एंगल में रखना है और आर्म्स को थोड़ा सा ऊपर रखना है। इसके साथ आपके पूरे कोर मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो अगेन आपको पूरे लेग्स को रखना है, ऊपर रेज करना है और साथ में जस्ट आप जैसे फ्लाई कर रहे हो वैसे ही करना है। सो इसके साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके कोर मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आई रियली होप कि आपको ये क्विक वर्कआउट अच्छा लगा होगा। विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी।